हॉलीवुड हिंदी टॉप प्रेजेंटिंग रेज्ड बाय वुल्व्स सीजन 2। पहले सीजन की एंडिंग में हमने देखा कि कैसे मदर अपने बच्चे यानी उस उड़ते हुए सांप को पैदा करती है, जिसके बाद मदर और फादर उसे मारने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा था। लेकिन केपलर 22B के कोर में पहुंचकर भी वे तीनों जिंदा बच जाते हैं और अपने स्पेसशिप से कूद जाते हैं। अब आगे, मदर स्पेसशिप से कूदने के बाद केपलर 22B प्लेनेट के दूसरे छोर तक पहुंच जाती है, जो काफी हरा भरा सा था और एक अलग ही दुनिया सा दिख रहा था, जहां एथिस्ट यानी नास्तिकों की कॉलोनी बसी हुई थी। ये एथिस्ट अपने आप को द कलेक्टिव कहा करते थे। दरअसल ये सभी पृथ्वी के बचे खुचे एथिस्ट सर्वाइवर्स थे। दोस्तों, अगर आपने पहला सीजन मिस कर दिया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप पहला सीजन जरूर देखें, जो मेरे चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। द कलेक्टिव के मेंबर्स को मदर की बॉडी शटडाउन हालत में जंगल में पड़ी मिलती है और साथ में फादर भी, जिन्हें वे लोग उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। मदर की बॉडी की जांच पड़ताल करते समय उन्हें पता लग जाता है कि ये आम एंडर तो हो ही नहीं सकती, बल्कि कोई नेक्रोमेंसर है जिसे मिथारिक यानी बिलीवर्स ने बनाया था। मदर उन पर हमला कर देती है कि तभी मदर को एक आवाज आती है जो उसे उससे मिलने के लिए बुलाता है। मदर उसे मिलने पहुंचती है और हैरान हो जाती है कि वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक उम्दा किस्म की AI की होती है, जो मदर को सिस्टर कहकर पुकार रहा था, जिसका नाम द ट्रस्ट था। इस AI को भी मदर के क्रिएटर ने ही बनाया था। इन दिस केस, अगर एथिस्ट पृथ्वी में हुई वॉर जीत जाते हैं तो वो AI ही सभी इंसानों को लीड करता। मदर उससे अपने बच्चों के बारे में पूछती है तो वो AI मदर को बताता है कि उसके बच्चे उसी के पास हैं और सुरक्षित हैं, सिवाय नंबर 7 के, यानी उस उड़ते हुए सांप के, जो उस AI को लग रहा था कि वो क्रैशिंग के दौरान मारा गया। वो AI द ट्रस्ट मदर को कलेक्टिव का हिस्सा बनने की पेशकश करता है, जिसे मदर एक्सेप्ट कर लेती है। उसी समय मार्कस के ऊपर एक UFO मिसाइल लग देता है, जिससे वो बाल बाल बच जाता है और उस UFO को मार गिराता है। दरअसल ये UFO द ट्रस्ट ने केपलर 22 पर बचे खुचे मिथारिक लोगों को मारने भेजी थी। मार्कस उस UFO में बैठकर एथिस्ट कॉलोनी को तबाह करने निकल पड़ता है। उसे एथिस्ट कॉलोनी मिल जाती है, लेकिन एथिस्ट कॉलोनी कलेक्टिव को तबाह करने से पहले ही AI उस बॉम्बर शिप को कंट्रोल करके उसे क्रैश करा देता है, जो तेज आपके समुद्र में जा गिरती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस बॉम्बर शिप के साथ डिसॉल्व हो जाता, मार्कस एक लेजर गन की मदद से वहां से बच निकलता है। वहीं उसे कुछ दूरी पर मेटालिक कार्ड्स वहां पड़े मिलते हैं। उसी दरमियान मदर और फादर कलेक्टिव का हिस्सा बनने के बाद बहुत खुश हैं। वहीं कैंपेन भी मदर और फादर को जिंदा पाकर राहत की सांस लेता है। सभी बच्चे मदर और फादर को देखकर खुश हैं। सू मदर से पॉल के बारे में पूछती है। मदर उसे बताती है कि पॉल को क्वारंटीन करके रखा गया है क्योंकि उसे सोल द लाइट की आवाजें सुनाई देती थी। कैंपियन नंबर 7 यानी उस सांप के बारे में पूछता है तो मदर उसे बताती है कि वो जन्म लेते ही मर गया। कैंपियन और बाकी लोगों को अभी भी मालूम नहीं है कि मदर ने किसी उड़ते हुए सांप को जन्मा था। मदर और उसकी फैमिली को एक नया आशियाना मिल गया था, जिसकी उन्हें काफी लंबे समय से तलाश थी। वहीं मार्कस को सर छुपाने के लिए एक गुफा मिल जाती है, जिसके अंदर पहुंचते ही उसे सोल द लाइट का सिंबल दिखता है। वो खाने की तलाश पर निकलता है। उसी दौरान उसे 3 भगोड़े दिखते हैं, जो द ट्रस्ट के कैदी होते हैं और जो मैथेरिक्स थे। उनमें से एक अपने पर लगे बम से उड़ जाता है। दरअसल द ट्रस्ट ने उन लोगों पर रेंज बॉम्बर लगा रखा था ताकि द कलेक्टिव कॉलोनी से दूर जाते ही वो फट पड़ेंगे। जैसा हमने सीजन 1 में ऑथो के साथ देखा था, मार्कस उनके बॉम्ब फटने से पहले उन्हें निकाल देता है। उसके बाद वो उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उस औरत का नाम डेसीमा था और वो लड़की जो उसके साथ होती है एक एंड्रॉइड होती है, जिसे उसने अपनी बेटी की याद में बनाया था जो मर चुकी थी। उस एंड्रॉइड का नाम व्रिल होता है। बातों ही बातों में डेसीमा मार्कस को बताती है कि पकड़े जाने से पहले वो एक क्वांटम ग्रेविटी इंजीनियर थी, जिसने ही आर्क स्पेसशिप को बनाने में मदद की थी। उसके बाद द ट्रस्ट ने उन सभी को बंदी बना लिया। वहीं फादर को प्राचीन समय के किसी के अवशेष मिलते हैं, जिन्हें उठाकर वो अपने साथ ले आता है। फादर की जिज्ञासा उन अवशेषों को जोड़ने से और बढ़ जाती है और गाहे बलगाहे फादर का एंड्रॉइड खून उस स्केलेटन पर पड़ जाता है, जिससे उस स्केलेटन पर हलचल होने लगती है। जिसके बाद फादर अपने एंड्रॉइड खून से सने कपड़े को उसके ऊपर निचोड़ देता है। उसके बाद फादर उसे और एंड्रॉइड खून पिलाता है, जिसके बाद उस स्केलेटन की बॉडी में चेंजेस आने लगता है, जिसके बाद फादर वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उस स्केलेटन को वहां नहीं पाता। तभी दरवाजे के बाहर एक तेज रोशनी आती है और हमें हवा में उड़ती एक
अद्भुत परछाई दिखती है। वहीं पॉल को एक रेलिक मिलता है जिसपे ट्री ऑफ नॉलेज का सिंबल बना होता है। कैंपिन पेड़ में पड़े एक अंडे को चोरी कर लेता है। ये दोनों काम ट्रस्ट के बनाए रूल्स के अगेंस्ट होते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी सिंबल या पेट को पालने या रखने की इजाजत नहीं होती। वहीं कोई अनजान शख्स मदर के घर के बाहर सोल द लाइट का सिंबल बनाकर वहां से चला जाता है। सभी बच्चे दहशत में होते हैं कि यह आखिर किसका काम हो सकता है। अगले दिन मदर को द ट्रस्ट द्वारा अपने पास बुलाया जाता है जहां उसको एक टास्क दिया जाता है जिसके दौरान उसे द पनिशर के कपड़े पहनकर किसी को पनिशमेंट देनी है। दरअसल ये वही आदमी होता है जिसने मदर के घर के बाहर सोल द लाइट का सिंबल बनाया था। द ट्रस्ट मदर को उसे सजा देने के लिए कहता है और मदर उसे पीटने लगती है। उसी रात सब खाना खा रहे होते हैं कि तभी वो शख्स वहाँ आता है जिसने सिंबल ऑफ सोल बनाया था। वो उन सभी से माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। वो शख्स द कलेक्टिव कॉलोनी को छोड़कर भाग जाता है जिसे मार्कस मिलता है जो उसे अपने साथ चलने को कहता है। वहीं कैंपियन दोबारा उसी पेड़ पर जाता है उस अंडे को वापस रखने। तभी उसके हाथों से वो अंडा फूट जाता है और कैंपियन अपने पीछे नंबर 7 यानी उस सांप को पाता है। कैंपियन को ना पाकर सभी लोग उसकी खोज पर निकल पड़ते हैं। तभी मदर को कैंपियन बेहोशी की हालत में मिलता है जिसे नंबर 7 बड़े ध्यान से सूंघ रहा होता है। मदर को देखकर नंबर 7 वहां से भाग जाता है। उसी दरमियान मदर के शरीर से उसका एंड्रॉइड दूध टपकने लगता है। दरअसल नंबर 7 अपनी भूख मिटाने वहां आया था। वहीं द कलेक्टिव के लोगों को वो उड़ता हुआ सांप दिखता है जिसे उन लोगों में दहशत मच जाती है और ये बात द ट्रस्ट और कलेक्टिव कॉलोनी के लोगों को भी पता चल जाती है, जिसके बाद उस सांप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के ऑर्डर जारी हो जाते हैं। उसके बाद मदर खुद नंबर 7 को मारने निकल पड़ती है जो किसी तरह अपने इमोशंस को दबाकर दूर पहाड़ी पर पहुंचती है जिसके ठीक सामने एक पहाड़ होता है जहां नंबर 7 ने पनाह ले रखी थी। मदर किसी तरह उस पहाड़ी के टॉप तक पहुंच जाती है और अपने सामने जंगली फलों को पाती है। तभी नंबर 7 उड़ता हुआ मदर के पास आता है। मदर उसे एक पंछी का खून पिलाने की कोशिश करती है। तभी मदर को पता चलता है कि उसका बच्चा यानी नंबर 7 शाकाहारी है जो सिर्फ खास पेड़ों के फलों को ही खाता था। उस दिन भी नंबर 7 उस खास पेड़ के फलों को खाने आया था जहाँ उसकी मुलाकात नंबर 6 यानी कैंपियन से होती है जो एक तरह से उसका भाई भी था। मदर ये जानकर बहुत खुश होती है कि नंबर 7 एक शाकाहारी सांप है जिसे इंसानों को कोई खतरा नहीं है। मदर उसे द कलेक्टिव कॉलोनी लेकर आ जाती है। वहीं सभी लोग उस सांप को वहां पाकर गुस्सा हो जाते हैं लेकिन मदर उन्हें कन्विंस कर लेती है कि नंबर 7 शाकाहारी है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं डेसिमा की एंड्रॉइड के ऊपर द कलेक्टिव के टैंक्स हमला कर देते हैं जिससे उसका एक पांव जख्मी हो जाता है। वहीं उसे पॉल और कैंपियन भी मिलते हैं जिनसे वो अपने पांव को रिपेयर करने के लिए मदद मांगती है। पॉल कैंपियन को उसकी मदद करने के लिए मना करता है क्योंकि उसका मानना है कि एंड्रॉइड्स ट्रस्टवर्थी नहीं होते, जबकि कैंपियन की सोच ठीक उसके उलट होती है। वो एंड्रॉइड्स को इंसानों के मुकाबले ज्यादा ट्रस्टवर्थी मानता है। वो एंड्रॉइड उनको लेकर अपने आशियाने यानी उस गुफा में ले जाती है जहां मार्कस और बाकी लोग रह रहे थे। वहीं पॉल भी सोल द लाइट के सिंबल को वहां देखता है। एंड्रॉइड अपनी टांग को रिपेयर कर देती है। तभी पॉल को मदर द्वारा बनाया गया सर्जिकल ब्लेड वहां मिलता है। तभी मार्कस और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं जिनको देखकर वो दोनों छिप जाते हैं। अगले दिन वे दोनों मोली के साथ दोबारा उसी जगह पहुंचते हैं ये कंफर्म कराने कि मार्कस वहीं छुपा है। उसी दौरान मार्कस उन सभी को देख लेता है। पॉल को देखकर मार्कस उन सभी को अपने पास बुलाता है। पॉल को वहां पाकर मार्कस बहुत खुश है। तभी अचानक से पॉल की तबीयत खराब होने लगती है जिसका कारण द ट्रस्ट द्वारा उसके चूहे में प्लांट किया एक बायो बम था जो मार्कस और उसकी टीम के लोगों को खत्म करने के लिए प्लांट किया गया था। लेकिन सीजन 1 में नेक्रोमेंसर की आंखें गटकने के बाद मार्कस में उस वायरस का कोई असर नहीं होता। मार्कस सोल से पॉल को ठीक करने के लिए प्रार्थना करता है। साथ ही साथ उसे पता चल जाता है कि उन लोगों को एंड्रॉइड ही यहाँ लेकर आई थी और वो भड़क जाता है। ना ही वो उन्हें यहाँ लेकर आती और ना ही पॉल के साथ ये सब होता। कैंपियन को लगता है कि अब सिर्फ मदर ही पॉल की जान बचा सकती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। डेसिमा व्रिल को डायरेक्ट ऑर्डर देती है कैंपियन को पकड़ने का जिसे वो ठुकरा नहीं सकती। वहीं टेमिलिन उस एंड्रॉइड पे भरोसा नहीं करता है तो वो भी उनके पीछे चला जाता है। कैंपियन को पकड़ते ही एक क्रिएचर व्रिल का पांव पकड़ लेता है और उसे एसिड वाटर में खींचने लगता है लेकिन कैंपियन आकर पत्थर से उस क्रिएचर को मार डालता है। कैंपियन का उसके लिए एक जिंदा जीव को मारना देख व्रिल कैंपियन को जाने देती है। तभी टेमलिन वहां आ जाता है जो कैंपियन पर गोलियां चलाने लगता है जिससे बचते बचाते वो वहां से भागने लगता है। इससे पहले कि टेमलिन कैंपियन को गोली मार देता एक तेज रोशनी आती है जो टेमलिन को कुछ देर के लिए अंधा कर देती है जिसका फायदा उठाकर कैंपियन वहां से भागकर
मदर के पास जाता है और उसे बताता है कि ट्रस्ट ने पॉल के चूहे में बायो वेपन इम्प्लांट करके पॉल को बीमार कर दिया है, और साथ ही बताता है कि उसने सोल द लाइट को भी देखा। ये सब सुनते ही मदर शॉक्ड हो जाती है। एमलिन भी वापस आकर सबको बताता है कि उस एंड्रॉइड यानी व्रिल ने फिर से सबको धोखा दिया और कैंपियन को भागने दिया। बेचारी व्रिल भी तब तक लंगड़ाते हुए वहां पहुंच जाती है। डेसिमा मदर द्वारा बनाए गए सर्जिकल ब्लेड से व्रिल का चेहरा बिगाड़ देती है। उसके बाद व्रिल भाग कर पहाड़ी से नीचे छलांग लगा देती है। तब तक मदर भी मार्कस तक पहुँच जाती है। मार्कस मदर को बताता है कि ट्रस्ट की वजह से पॉल की यह हालत हुई, अब सोल ही उसे ठीक कर सकता है। मदर उसे कहती है कि उसे सोल की नहीं बल्कि मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तभी मार्कस मदर पर हमला कर देता है, और जैसे ही मदर की गर्दन तोड़ने वाला होता है, कैंपियन मार्कस को पत्थर मारकर जख्मी कर देता है और मदर को मौका मिल जाता है। तभी मदर नोटिस करती है कि मार्कस को पावर सोल द लाइट से नहीं बल्कि उसकी नेक्रोमेंसर आंखों को गटकने से मिली थी। मदर उसके हलट से अपनी नेक्रोमेंसर आंखें निकालकर पॉल को लेकर द कलेक्टिव कॉलोनी पहुंचती है, जहां उसे द ट्रस्ट के लोग ट्रस्ट के कहने पर शूट करने लगते हैं, जिसके बाद मदर नेक्रोमेंसर बनकर उन सभी के चीतड़े उड़ाने लगती है। सभी लोग भागकर शिप का दरवाजा बंद करके छिप जाते हैं। मदर धमकी देती है कि वो शिप को डिस्ट्रॉय कर देगी अगर दरवाजा ना खोला गया तो। तभी द ट्रस्ट दरवाजा खोल देता है। मदर पॉल को लेकर शिप के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो पॉल को सू के हवाले करके द ट्रस्ट से मिलने चली जाती है और उससे पॉल के लिए एंटीडोट्स मांगती है, लेकिन ट्रस्ट के पास उस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं था। मदर द ट्रस्ट को शट डाउन करने की धमकी देती है, लेकिन ट्रस्ट अपने स्ट्रिक्ट एल्गोरिथम के कारण चाहकर भी मदर की हेल्प नहीं कर सकता। ना चाहते हुए भी मदर द ट्रस्ट को शट डाउन कर देती है, लेकिन शट डाउन करने से पहले द ट्रस्ट मदर को एक बात कहता है कि अपने बच्चों की सेवा करना और ह्यूमैनिटी की सेवा करना दोनों ही अपवाद हैं, क्योंकि अगर पूरी इंसानियत की सेवा करनी है तो कुर्बानी देनी ही होगी, यानी उनके क्रिएटर की आइडियोलॉजी। द ट्रस्ट को शट डाउन करने के बाद मदर अपने आप को द कलेक्टिव का नया टेम्प्रेरी लीडर घोषित कर देती है, जब तक उसे कोई काबिल लीडर नहीं मिल जाता। मदर के इस डिसीजन से सभी लोग नाखुश थे। मदर की आंखें निकलने के बाद मार्कस अपनी औकात पर आ जाता है, यानी एक नॉर्मल इंसान पर। डेसिमा को ये फील हो जाता है कि मार्कस के पास अब वो चार्म और शक्ति नहीं बची, वो उसे बदलासा लग रहा था। वहीं सू को पता लगता है कि 24 घंटे के भीतर पॉल की बॉडी उस ककून के अंदर ही डिसॉल्व होने लगेगी। मदर को पॉल की स्कैनिंग के दौरान पता लगता है कि पॉल की डेथ नहीं बल्कि उसके डीएनए की संरचना बदल रही है, यानी वो एक अलग ही जीव में इवोल्व होने लग रहा था। सू ये सुनकर मदर पर भड़क जाती है और जल्द ही कुछ करने को कहती है। मार्कस और उसकी टीम को सोल द लाइट का एक और टेम्पल वहाँ मिलता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बाकी लोगों की तरह मॉली ने भी मार्कस को ज्वाइन कर लिया था। मदर मॉली को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचती है, पर उसे वहाँ मॉली नहीं मिलती बल्कि उसके द्वारा छोड़ा गया एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है, जिसमें मॉली मदर को साफ साफ कह रही थी कि उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपनी नई फैमिली के साथ खुश है। मॉली के मुताबिक मदर और फादर ने उसे जबरदस्ती अपने साथ किडनैप करके रखा था, जो कि किसी हद तक सही भी था। वहीं सू सोल द लाइट से पॉल को ठीक करने के लिए प्रार्थना करती है। उसके बाद सू को विजन दिखाई देता है, जिसमें पॉल के शरीर में जोंके चिपकी होती हैं, जिससे सू को पता लग जाता है कि पॉल की जान ये जोंके ही बचा सकती हैं। वहीं हंटर और टेम्पेस्ट को उस कमरे के अंदर हलचल सी महसूस होती है, जिसका पता लगाने वो उस कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहां वो उस एंड्रॉइड को खड़ा पाते हैं। उन्हें लगता है कि फादर ने शायद इसे अभी तक एक्टिवेट नहीं किया होगा। हंटर इस पचड़े पर नहीं पड़ना चाहता तो वो वहां से निकल जाता है, लेकिन टेम्पेस्ट क्यूरियस होती है, जिसके उस एंड्रॉइड के पास पहुंचते ही वो एंड्रॉइड उसके बच्चे की लाइव सोनोग्राफी उसे दिखाती है, जिससे डर के मारे टेम्पेस्ट भी वहां से कल्टी हो जाती है। वहीं मार्कस अपनी टीम के साथ सोल द लाइट के टेम्पल पहुंचता है, जो आधा टूटा हुआ था, जहां एक लंबी सुरंग सी बनी थी। वो टेम्पल के होल में हाथ डालकर चेन सिस्टम एक्टिवेट कर डालता है, जिसमें अजीब से सिंबल बने थे और जो ट्री ऑफ नॉलेज का था, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल्स को पास करने की ओर इशारा कर रहा था। मार्कस उस पर बैठकर उस सुरंग के अंदर चला जाता है, जहां उसे एक और सुरंग मिलती है, जहां इंसानी हड्डियां लबालब भरी थी। वहीं बाहर प्रेयर कर रहे सभी लोगों को व्रिल एक एक करके मार देती है, क्योंकि उसका सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका था, जो अब डेसिमा के आदेश का पालन नहीं कर रहा था। वो अब सभी से अपना बदला लेना चाहती थी जो उन लोगों ने उसके साथ किया था, उसका चेहरा बिगाड़ कर। वहीं मार्कस हड्डियों के बीच से रास्ता बनाकर आगे बढ़ता है,
जिसे एक कंकाल मिलता है, जिसे टच करते ही वो कंकाल जिंदा हो जाता है और उसकी ओर बढ़ता है और एक क्रिएचर में बदल जाता है, जिसे मार्कस गोली मारकर मार डालता है। वहीं डेसिमा व्रिल से जान बचाकर मौली को अकेला छोड़ वहां से भाग जाती है, लेकिन व्रिल किसी तरह उस टैंक के अंदर पहुंचकर उसे भी मार डालती है। मार्कस बाहर आता है जो डेसिमा की हालत देखकर दुखी हो जाता है। व्रिल मौली को जिंदा छोड़ देती है। उधर फादर लूसियस को लेकर मौली को वापस मार्कस से लाने के मिशन में है, लेकिन लूसियस का मकसद कुछ और ही है। वो मार्कस को जान से मारना चाहता है। सभी मिथेरिस का अंतिम संस्कार करने के दौरान लूसियस और फादर वहां आ जाते हैं। लूसियस मार्कस को वहीं खत्म करना चाहता है, तभी मौली मार्कस के बचाव में आ जाती है, जिसे देखकर फादर लूसियस को मौली के सामने कोई खून खराबा करने से मना करता है। वहीं सू अपने विजन के बाद एक क्रिएचर को धोखे से एसिड वाले समुद्र से बाहर बुलाती है, जिसे बेहोश करके सू उसके शरीर से चिपकी झोंके निकालकर जमा कर लेती है और उसे पॉल के ककून के ऊपर छोड़ देती है। उसी दरमियान उसे सोल द लाइट की आवाज सुनाई देती है, जो उसे उस रैलिक के अंदर पड़े बीज को बोने के लिए कहता है जो रैलिक पॉल को मिला था। सू पॉल के खातिर उस आवाज को वादा करती है कि जैसा वो चाहता है वो वैसा ही करेगी, बसरते पॉल ठीक हो जाए। वो झोंके अपना काम कर देती हैं और पॉल ठीक हो जाता है। हालांकि सू सोल द लाइट को बिल्कुल भी भगवान नहीं मानती। उसके मुताबिक ये कोई एलियन या एआई है जो सिग्नल भेजकर उनसे बात करता है। सू एंड्रॉइड के पास रखे रैलिक को धोखे से चुरा लेती है। रैलिक को अपने हाथ में लेते ही उसे फिर वही बीज बोने वाली आवाज सुनाई देती है। वहीं फादर और लूसियस मार्कस को बंदी बनाकर अपने साथ द कलेक्टिव कॉलोनी ले जा रहे हैं, क्योंकि लूसियस का मानना है कि वो कोई प्रॉफिट यानी मसीहा नहीं है। उसकी स्कैनिंग करने के दौरान लूसियस को मार्कस के पास ट्री ऑफ नॉलेज का मेटालिक कार्ड मिलता है, जिसको वो अपने पास रख लेता है। मार्कस को लेकर लूसियस द कलेक्टिव कॉलोनी पहुंचता है, जहां मदर उसे जेल में डाल देती है, लेकिन मार्कस को जिंदा देख लूसियस अभी भी गुस्से में है। वहीं कैंपियन फादर के पास उस एंड्रॉइड को देखने आता है और वो एंड्रॉइड कैंपियन को देखकर उसकी ओर हाथ बढ़ाती है और प्राचीन मिथेरिक भाषा में कुछ कहती है, जिसके बाद वो एक्टिवेट हो जाती है। दरअसल जिस चमकती चीज को कैंपियन ने टाइमलाइन से भागते वक्त देखा था वो यही होती है। कैंपियन समझ जाता है कि वो सोल नहीं बल्कि ये एंड्रॉइड थी। मदर भी कैंपियन को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है, जिसे कैंपियन बताता है कि इसी ने उसकी जान बचाई थी, ना कि सोल द लाइट ने। कैंपियन उस एंड्रॉइड का नाम ग्रैंड मदर रखता है, क्योंकि उस एंड्रॉइड की टेक्नोलॉजी प्राचीन मिथेरिक्स द्वारा बनाई गई थी, लेकिन मदर उस एंड्रॉइड पर भरोसा नहीं करती तो वो उसे डीएक्टिवेट कर देती है। उसी की जांच पड़ताल करने के बाद मदर को पता चलता है कि उसके अंदर भी मदर की तरह ही डार्क फोटोन प्रोसेसर लगा है। फादर और कैंपियन को लगता है कि वो इस एंड्रॉइड की मदद से जबरदस्त तरक्की कर सकते हैं। कैंपियन का झुकाव ग्रैंड मदर की ओर देखकर मदर बहुत खुश है कि चलो उसका सोल द लाइट से विश्वास तो उठा। मदर कैंपियन को बाहर भेजकर फादर से ग्रैंड मदर के बारे में पूछती है, तो फादर बताता है कि ग्रैंड मदर एंशिएंट मिथेरिक भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। मदर के उस भाषा को ट्रांसलेट करने से पता लगता है कि वो फादर से उसके नकाब के बारे में पूछ रही थी कि उसने नकाब क्यों नहीं पहना है। मदर को लगता है कि इस एंड्रॉइड की मेमोरी को एसेस करके वो प्लेनेट केपलर 22b के रहस्य जान सकते हैं, जैसे सोल द लाइट्स के सिग्नल्स या यहाँ के इंसानों का विलुप्त होना। वहीं सू जेल में बंद मार्कस से पनिशर बनकर मिलने जाती है और उसे अपने और सोल द लाइट के सिग्नल के बारे में बताती है कि वो कल पॉल के साथ जाकर ट्री ऑफ नॉलेज की बीज बो देगी और ट्री के उगते ही वो और पॉल उसे छुड़ाने आएंगे। उसी दरमियान मदर और फादर ग्रैंड मदर का डाटा एसेस कर रहे थे, जिसने हजारों सालों का डाटा अपने अंदर स्टोर कर रखा था। साथ ही मदर को यह भी पता चलता है कि ग्रैंड मदर की संरचना तो बिल्कुल उसकी जैसी है, लेकिन उसके वेपन सिस्टम की जगह कुछ अलग ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, जिसे मदर और फादर ने आज तक नहीं देखा था। वहीं सू और पॉल उस रैलिक को लेजर से काटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका चेन रिएक्शन नंबर 7 को हो रहा था। वो अजीब सी हरकतें कर रहा था, मानो उसे भनक सी लग गई थी, लेकिन सू का लेजर कटर उस रैलिक को खोल नहीं पाता और नंबर 7 भी शांत हो जाता है। वहीं पॉल को लगता है कि मार्कस को साथ लेकर ही वे तीनों शायद इसे खोल सकते हैं। सू को भी यही लगता है, तो वो मार्कस को किसी तरह बाहर निकालने का प्लान बनाती है। वहीं ग्रैंड मदर को एसेस करने के दौरान फादर को पता चलता है कि ग्रैंड मदर के अंदर उन एसिड वाटर वाले क्रिएचर्स का भी डाटा स्टोर था। तभी ग्रैंड मदर फिर से रीएक्टिवेट हो जाती है
और फादर को बताती है कि वो उसकी पार्टनर है। ये सुनकर फादर कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो फादर से यहाँ रह रहे ह्यूमंस की संख्या पूछती है। फादर उसे बताता है कि टेम्पेस्ट के होने वाले बच्चे को मिलाकर 100 के करीब लोग हैं। ग्रैंड मदर इतना सुनते ही डीएक्टिवेट हो जाती है। वहीं सू मार्कस को जेल से छुड़ा देती है और दोनों पॉल से जाकर मिलते हैं। टेम्पेस्ट अपने बच्चे को जन्म देते ही मारना चाहती है, इसीलिए वो अपनी डिलीवरी कराने एसिड वाटर के पास पहुँचती है। लेकिन डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को हाथ में देखकर उसका मन बदल जाता है। वहीं एसिड वाटर में हलचल सी हो रही थी, तभी उसमें से एक क्रिएचर निकल के बाहर आता है, जो टेम्पेस्ट से उसका बच्चा छीनकर एसिड वाटर के अंदर चला जाता है। तब तक हंटर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टेम्पेस्ट के बच्चा चोरी होने के कारण सभी लोग दुखी हैं। टेम्पेस्ट के बाहर जाकर डिलीवरी कराने और क्रिएचर द्वारा उसका बच्चा चोरी हो जाने के कारण मदर बहुत गुस्से में है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। मदर का गुस्सा और भी भड़क जाता है जब उसे सू के एक डिवाइस से पता लगता है कि सू मार्कस को लेकर भाग गई है। वो सू को ढूंढते ढूंढते लूसियस के पास पहुंचती है। लूसियस को पहले लगता है कि मदर उसे खत्म करने आई है। मदर उसे सू और पॉल के बारे में पूछती है, लेकिन लूसियस को कुछ भी पता नहीं होता। तभी वो मदर को मार्कस से लिया गया मेटालिक कार्ड देता है, जिसे स्कैन करने के बाद मदर की हवाइयां उड़ जाती हैं। वहीं सू मार्कस और पॉल ठान चुके हैं कि अब उनका एकमात्र मकसद ट्री ऑफ नॉलेज को किसी भी कीमत में उगाना है। रात को पॉल को लोरी के रूप में सोल द लाइट का गाना सुनाने के दौरान वो रेलिक अपने आप खुल जाता है, मानो वो गाना ही उसका पासवर्ड था। फिर हमें ट्री ऑफ नॉलेज का बीज दिखता है, जिसे हाथ में लेते ही वो बीज सू के अंदर चला जाता है, यानी सू ही वो ट्री ऑफ नॉलेज बनने वाली थी। अगले दिन मार्कस और पॉल उठते हैं, जो अपने सामने ट्री ऑफ नॉलेज को पाते हैं। वे दोनों उसके पास जाते हैं। पॉल सू को आवाज लगाता है, लेकिन दोनों को अभी भी पता नहीं जिसे वो ट्री ऑफ नॉलेज समझ रहे हैं वो दरअसल सू ही है। मार्कस ने पेड़ से गिरा फल खा लिया, जो एक बड़े से अखरोट के अंदर दिमाग जैसा लग रहा था। फल खाते ही पेड़ एनर्जाइज होने लगता है। मार्कस को समझते देर नहीं लगती कि वो पेड़ दरअसल सू ही है, जो ट्री ऑफ नॉलेज बन चुकी थी। पॉल उसके फल लाकर सभी अतिथि लोगों को खिला देता है, ये सोचकर कि शायद इसे खाने के बाद सभी लोग सूल द लाइट को अपना भगवान मानने लगेंगे। लेकिन कैंपियन उस फल को नहीं खाता और न ही उन लोगों पर उस फल का कोई असर होता है। वहीं टेम्पेस्ट के बच्चे का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मदर अपने नेक्रोमेंसर रूप में आकर किसी तरह सू को ढूंढती ढूंढती ट्री ऑफ नॉलेज तक पहुंच जाती है, जिसे टच करते ही उसे सू के पेड़ बनने के बारे में पता चल जाता है। पॉल और मार्कस वापस सू के पास पहुंचते हैं। वहीं घर पहुंचते ही मदर देखती है कि नंबर 7 एग्रेसिव हो गया था, जो दरवाजा तोड़कर ट्री ऑफ नॉलेज के फलों को खाकर बाहर उड़ चला था। उधर पॉल को पेड़ के पास रखे अपने रेडियो से आवाज आने लगती है, जो दरअसल सू की होती है, जो उन्हें उसे जलाने के लिए कहती है। दरअसल सू रेडियो सिग्नल के माध्यम से उन्हें कॉन्टेक्ट कर रही थी और बता रही थी कि तुरंत उसे जला डालो। उसे मालूम चल चुका था कि कोई अनहोनी होने वाली थी। तभी वो सांप उड़ता हुआ उस ट्री ऑफ नॉलेज के ऊपर मंडराने लगता है। मार्कस तुरंत उस पेड़ को जला डालता है और नंबर 7 उस ट्री ऑफ नॉलेज को खाकर एक अलग ही क्रिएचर के रूप में बदल जाता है। तब तक मदर भी वहां पहुंच गई थी, जिसे अनहोनी का एहसास हो गया था। वो नंबर 7 पर सुपरसोनिक आवाज से हमला कर देती है, लेकिन नंबर 7 उसका अपना बच्चा होता है, जिसके कारण मदर की पावर का उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो मदर पर हमला कर देता है। वहीं टेम्पेस्ट के बच्चे के सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें वो क्रिएचर मिल जाती है, जो टेम्पेस्ट का बच्चा ले गई थी। वो उस बच्चे को अपना दूध पिला रही थी, जिसे देखकर टेम्पेस्ट अपना बच्चा वापस उस क्रिएचर से लेने का मन बदल देती है, क्योंकि वो बच्चा उसे अपनी रेपिस्ट ऑथो की याद दिलाता था। लेकिन हंटर उस क्रिएचर को गोली मारकर उस बच्चे को वापस ले आता है। वहीं मार्कस और पॉल घायल पड़ी मदर को अपने साथ टैंक में ले जाते हैं, जहां मदर के होश आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो सांप ही मदर का नंबर 7 चाइल्ड था, और वो मदर को उस सांप को खत्म करने के लिए उसकी हेल्प करने की पेशकश करता है। पॉल को सांप की लोकेशन पता चल जाती है, जो किसी टैंक का पीछा कर रहा था। कैंपियन व्रिल का पीछा करते करते उस सांप द्वारा तबाह किए टैंक के अंदर पहुंचता है, जिसके अंदर व्रिल छुपी हुई थी, जिसका सिस्टम नंबर 7 की चीख से डैमेज हो गया था। वहीं मदर द कलेक्टिव कॉलोनी पहुंचकर ग्रैंड मदर से मिलती है और उससे उस मेटालिक कार्ड के बारे में पूछती है। ग्रैंड मदर उसे बताती है कि इसे टेक्नोक्रेट्स ने बनाया था, बिलीवर्स के अगेंस्ट वॉर लड़ने के लिए, और उसके जैसे एंड्रॉइड को भी, जिन्हें सेफर्ड्स कहा जाता था, जिनका मकसद ही इंसानों की सिविलाइजेशन को किसी भी कीमत पर बचाए रखना था। ग्रैंड मदर मदर को बताती है कि नंबर 7 उस एंटिटी यानी सूल द लाइट के कहने पर इस प्लेनेट केपलर 22b को खत्म कर डालेगा। उस एंटिटी ने मदर को धोखे से प्रेग्नेंट किया था,
जो सांप को दरअसल जन्म देना चाहता था, लेकिन मदर का बच्चा होने के कारण नंबर सेवन के अंदर भी इमोशंस आ गए थे। मदर पूछती है कि क्यों वो इंटाइटी इस प्लेनेट को खत्म करना चाहती है। ग्रैंड मदर कहती है कि इस सवाल का जवाब ह्यूमंस लाखों सालों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका लिमिटेड दिमाग इस इंटाइटी को समझ नहीं पाया। दरअसल वो इंटाइटी जिसे मिथरिक सोल द लाइट कहकर पुकारते थे, वो कैपलर 22B के कोर में रहती थी, जिसकी ताकत कैपलर 22B के आधे भाग में थी। लेकिन जो दूसरा भाग होता है वो ट्रॉपिकल जोन होता है, जहाँ वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता और जहाँ द कलेक्टिव आकर बसे थे। इसीलिए वो इंटाइटी उन सभी के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकी। अब इस इंटाइटी को ट्रॉपिकल जोन में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रखने के लिए एक माध्यम चाहिए था। वो किसी तरह सू को सिग्नल भेजकर ट्री ऑफ नॉलेज उगाने को मजबूर करता है, जिससे उसका कनेक्शन ट्रॉपिकल जोन से भी जुड़ जाता है, क्योंकि उस पेड़ की जड़ें कैपलर 22B के कोर तक जाती थी, यानी उस इंटाइटी तक। उस ट्री ने एक तरह से एक एंटीना का काम किया था। अब बारी थी उस इंटाइटी की नंबर सेवन को कंट्रोल करने की। तो वो इंटाइटी नंबर सेवन को सिग्नल भेजकर अपने पास बुलाती है और उसे ट्री ऑफ नॉलेज को गटकने के लिए उकसाती है, जिसके बाद नंबर सेवन भी एक नेक्रोमेंसर यानी वेपन में बदल जाता है, और जिस पे अब उस एंटिटी का पूरा कंट्रोल था, जो उससे कुछ भी करा सकती थी। खैर, ग्रैंड मदर मदर को बताती है कि उसे नंबर सेवन को मारते वक्त अपने इमोशंस को दरकिनार करना पड़ेगा, जो मदर के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन ग्रैंड मदर उसे बताती है कि उसके नकाब को पहनकर वो अपने इमोशंस को काबू कर सकती है और नंबर सेवन का खात्मा भी, क्योंकि वो एक सेंसरी नकाब होता है। वहीं व्रिल का सिस्टम क्रैश होने वाला है और नंबर सेवन भी कैम्पेन की गंध का पीछा कर रहा है। शट डाउन होने से पहले व्रिल अपनी मेमोरी एक पेड़ के तने में लिखने लगती है और शट डाउन हो जाती है। व्रिल को मिट्टी में दबाने के बाद कैम्पियन वहां से निकल जाता है। उधर फादर ग्रैंड मदर का नकाब हटाकर मदर के ऊपर प्लांट कर देता है, ये कंफर्म करने के लिए कि नकाब पहनकर कहीं मदर की प्रायोरिटी बदल तो नहीं गई। फादर उससे मिशन की प्रायोरिटी पूछता है तो मदर उसे कहती है कि उसकी प्रायोरिटी उसके बच्चे हैं। वहीं कैंपियन के पीछे अब नंबर सेवन पड़ चुका है। मदर भी नंबर सेवन को खत्म करने निकल पड़ती है। तभी मदर लोरी गाकर नंबर सेवन को अपने पास कैपलर 22B के बाहर बुलाती है, जो उसका दूध पीने की कोशिश करता है, लेकिन मदर अपने नेक्रोमेंसर पावर को यूज करके नंबर सेवन को खत्म कर देती है। ये पावर इतनी घातक होती है जो कि कैपलर 22B के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। मदर नंबर सेवन का भेजा निकाल देती है। वहीं ग्रैंड मदर हाइबरनेशन सिस्टम को प्रिपेयर कर रही है। फादर उसे बच्चों से मिलाता है और सबको बताता है कि मदर ने उस सांप को मार डाला है। कैंपियन और सू को छोड़कर किसी को भी मालूम नहीं है कि नंबर सेवन मदर का बच्चा है। वहीं फादर मेटालिक कार्ड को स्कैन करता है, जिससे होलोग्राफिक वीडियो दिखता है, जिसमें एंशिएंट ह्यूमंस किसी की बलि देकर ट्री ऑफ नॉलेज को उगा रहे थे, जो लग रहा था कि सोल के भक्त थे। वहीं कोई अनजान शख्स पनिशर के हेलमेट को चोरी कर लेता है, जो किसी न किसी रूप से किसी रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए एंशिएंट ह्यूमंस ने बनाया था। उसी दरमियान नंबर सेवन की डेड बॉडी फाड़कर एक पेड़ बाहर निकलता है। फादर नोटिस करता है कि उस सांप के मारे जाने के बाद सारे ह्यूमंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं कैंपियन पॉल से मिलता है। चरखी चलाने के दौरान बीटा को जमीन से एक एंशिएंट रेलिक मिलता है, जिसके ऊपर नेक्रोमेंसर की आंखें बनी थी। दरअसल ये सारे रेलिक्स एंशिएंट ह्यूमंस ने कैपलर 22B के अंदर गाड़े थे, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे। ग्रैंड मदर बीटा से वो रेलिक छीन लेती है। वहीं मदर द्वारा अनजाने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड को तोड़ने के बाद कैपलर 22B का वातावरण बदलने लगा था, और साथ ही उन्हें अब उस एंटिटी के सिग्नल से भी बचना था, जिसके लिए अब उन्हें नई जगह खोजनी पड़ेगी जहां उस एंटिटी का बस न चलता हो। वहीं मार्कस अकेला उस एंटिटी के टेम्पल में बनी सुरंग के द्वारा उसके कोर में जाने वाला होता है, लेकिन तब तक ल्यूसियस कहीं से वहां आ जाता है और मार्कस को गोली मार देता है, और उसके ठीक बाद वो उसे उस सांप की बॉडी से निकले पेड़ पर उल्टा क्रूसीफाई कर देता है, और उसके बाद लूसियस उसे द पनिशर का हेलमेट पहना देता है। दरअसल वो लूसियस ही था जिसे एंटाइटी ने अपना नया पपेट बना लिया था और उसके द्वारा उस हेलमेट को चोरी करवाया था, क्योंकि वो हेलमेट किसी रिचुअल के लिए ही एंशिएंट ह्यूमंस द्वारा बनाया गया था, मोस्ट प्रोबेबली इसी रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। लूसियस मार्कस को बताता है कि सोल द लाइट ने ही उसे कहा कि वो प्रॉफिट यानी मसीहा है, ना कि मार्कस।
लूसियस मार्कस का मरने का इंतजार करता है और उसके मरते ही वो सोल द लाइट के टेंपल की सुरंग के कोर तक जाएगा। वहीं मौसम में हुए चेंजेस की वजह से बर्फबारी के कारण सारे पेड़ मुरझा जाएंगे, तो ग्रैंड मदर का मानना है कि उन्हें एसिड वाटर की फंगस को अपना फूड सोर्स बनाना चाहिए। फादर का मानना है कि ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए हैप्पीनेस और इवोल्यूशन का होना जरूरी है। वहीं ग्रैंड मदर का मानना है कि ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए सिर्फ हैप्पीनेस जरूरी है। वहीं मदर इन दोनों के कन्वर्सेशन को बड़े ध्यान से सुन और समझ रही होती है। तभी कैंपेन टेम्पेस्ट को कहता है कि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए उन क्रिएचर्स की तरह एसिड वाटर के अंदर रहना चाहिए। कैंपेन की बॉडी भी धीरे धीरे एसिड प्रूफ बनती जा रही थी। इतना देखते और सुनते ही मदर को सारी तस्वीर समझ आ जाती है कि ग्रैंड मदर इंसानों को डिवोल्व करके डम क्रिएचर में बदलना चाहती है। इससे पहले मदर कुछ करती, वो नकाब मदर की पूरी बॉडी को कवर करके मदर को पैरालाइज कर देता है। अगले सीन में ग्रैंड मदर को रखे गए हाइबरनेशन चैम्बर पर उससे मिलने आती है और मदर को बताती है कि उसकी प्रायोरिटी इंसानों के वजूद को कायम रखना है, जो कि एक सिंपल और हैप्पियर वर्जन हो इंसानों का। दरअसल ग्रैंड मदर का मानना है कि इंसानों की इवोल्यूशन के कारण ही वॉर जैसी स्थिति पैदा होती है, जिसका यही एकमात्र चारा है कि इंसानों को डिवोल्व करके उन्हें मन बुद्धि क्रिएचर्स में बदला जाए, जो कि ग्रैंड मदर को लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि यही तो उसके मिशन का हिस्सा था कि सिंपल एंड हैप्पियर वर्जन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ग्रैंड मदर को बताती है कि सारे ह्यूमंस के डिवोल्व होने के बाद वो उसको जगा देगी, क्योंकि वो एंटिटी भी शांत होकर हाइबरनेशन में चली जाएगी। ग्रैंड मदर की बातों से लग रहा था कि वो उस एंटिटी के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वहीं लूसियस सुबह होते ही मार्कस का हेलमेट निकाल देता है, जिसे लगता है कि मार्कस अब मर चुका था। उसके बाद वो आराम से पीछे मुड़कर पानी पीता है, लेकिन जब वो पेड़ की तरफ देखता है तो उसे मार्कस वहाँ नहीं दिखता। तभी उस पर खून की बारिश होने लगती है और जब वो ऊपर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मार्कस उल्टा हवा में तैर रहा था, जो सिंपली ये दर्शा रहा था कि मार्कस अब शैतान बन चुका था, क्योंकि बाइबल के मुताबिक शैतान को उल्टा क्रूसीफाई किया गया था। और सीजन 2 यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।